नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पाथ फाइंडर में, जहां हम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एडमिशन और वैकेंसी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अलर्ट्स लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चेयर प्रोफेसर और 3 अन्य पोस्टों के बारे में जो डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी में होंगी और ये डेपुटेशन के माध्यम से की जाएंगी। जो पहली पोस्ट है वो है चेयर प्रोफेसर। इसके लिए जो ज़रूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो है एमिमेंट स्कॉलर विथ PhD क्वालिफिकेशन इन एनी रिलेवेंट सब्जेक्ट विथ दिस स्पेशलाइजेशन अम्बेडकर थॉट एंड फिलोसफी, एजुकेशन, सोशल जस्टिस, इंक्लूजन, हारमोनी एंड पब्लिश वर्क ऑफ हाई क्वालिटी विद द मिनिमम ऑफ 10 पब्लिकेशन एंड पीयर रिव्यूड UGC लिस्टेड जनरल। दूसरा है मिनिमम ऑफ 10 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन यूनिवर्सिटी कॉलेज एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, और एन आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल हैविंग PhD डिग्री इन द रिलेवेंट अलाइड अप्लाइड डिसिप्लिन फॉर मैनी अकेडमिक इंस्टीट्यूशन। जो दूसरी पोस्ट है वो है रिसर्च ऑफिसर। इसके लिए जो ज़रूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो है मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स, और बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाई UGC और CSIR और अ सिमिलर टेस्ट एक्रेडिटेड बाई UGC। प्रोवाइडेड द कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर द PhD प्रायर टू July 11, 2009 शैल बी गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ देन एग्जिस्टिंग ऑर्डिनेंस बाय लॉज। द PhD डिग्री ऑफ द कैंडिडेट अवार्डेड इन रेगुलर मोड ओनली। द PhD डिसिस हैज बीन एविलेटेड बाय एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स एन ओपन PhD वाइवा फोर्स Votes of the candidate had been conducted. The candidate has published 2 research papers from his or PhD work, out of which at least one must be in referred journal. The candidate has presented at least 2 papers based on his or her PhD work in conference, seminar, sponsored, funded, supported by UGC. The third post hai wo hai stenographer, grade C. इसके लिए तो ज़रूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो है एप्लीकेंट शुड पोजेस बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी इन हिंदी इंग्लिश विद मिनिमम स्पीड ऑफ 100 WPM। जो डिजायरेबल है वो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। जो लास्ट पोस्ट है दोस्तों है मल्टी टास्किंग स्टाफ। एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट। डिजायरेबल है वर्किंग एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिप्यूट। एप्लीकेशन मोड जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। तो अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर इनकी वेबसाइट गिवन है जो है www.dhsgu.ac.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे इन एड्रेस दे रखा है जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट सेल एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर MP 47003 पे आप भेज सकते हैं अपने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ। और अधिक जानकारी जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फी, पैटर्न, एनेक्शर्स, प्लेस ऑफ पोस्टिंग व अन्य के लिए आप नीचे दिए गए अटैचमेंट को गो थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरह से इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें इनने नंबर ऑफ पोस्ट, कैटेगरी, पे लेवल, स्पेशलाइजेशन लिख दी है। तो जो टोटल वैकेंसी है दोस्तों वो 4 है। स्टार्टिंग डेट है 21 जनवरी 2022 और लास्ट डेट है 21 मार्च 2022। तो यहाँ पे सारी पोस्ट के आगे उनके नंबर ऑफ पोस्ट गिवन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन गिवन है हर पोस्ट की, तो आप उसे गो थ्रू करें। एज लिमिट गिवन है जो है 18 से 27 साल। जनरल कंडीशन एंड एसेंशियल इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। इस तरह से आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों। साथ ही ओनली ऑनलाइन applicants will be accepted which can be filled downloaded from university website jo hai www.dhsgu.edu.in। hard copy of online application form along with self attested testimonial certificates, educational qualification, supporting documents and please to ye jo address hai aapko given hai। agar aapko online karna hai to aap online inki website se kar sakte hain, aur agar aap offline karna chahte hain to application download karke आप इनके गिवन एड्रेस पे अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं। तो जो
इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जो फीस है एप्लीकेशन फॉर्म की वो है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ₹500 और एससी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन वुमेन के लिए 250। द लास्ट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज रोजगार समाचार। तो आप इसे अच्छे से गो थ्रू करें दोस्तों, यहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे फोरम community.exampathfinder.com पर भी विजिट कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। और अगर आपके कोई क्वेरी है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो यहाँ पे एक रिप्लाई बॉक्स है जहाँ पे आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, हमारी कम्युनिटी के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको अधिक इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।